नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार राजभवन में नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वहीं उनके बाद राज्यपाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पुराना सब माफ है। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस का नेतृत्व संकल्प शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का होना तय किया गया था, लेकिन राहुल गांधी के तबीयत खराब होने की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना पर जल मार्ग विकसित करके मथुरा और वृंदावन को क्रूज सेवा से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवर्धन के शंकराचार्य आश्रम में हुए एक कार्यक्रम में दी। बैंकों का लोन लेकर फरार होने, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर भागने वाले लोगों की अब खैर नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने सभी विमानन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे सभी यात्रियों की पीएनआर जानकारी की डिटेल्स उड़ान से 24 घंटे पहले उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने वाले विमानन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि दुनिया भारत को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखती है और विकसित देश हमारे साथ व्यापार समझौता करने को इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार की आसानी के लिए लगातार नए नए उपाय किए जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट आपको सस्ते में हवाई टिकट बुक कराने का मौका दे रही है। इस ऑफर का नाम गो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेल है। आप 10 अगस्त से यानी आज से लेकर 13 अगस्त तक बुकिंग करा सकते हैं। आपको सिर्फ 1508 रुपए में हवाई टिकट मिल जाएगा। बिहार में मंगलवार को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने बुधवार को नीतीश कुमार और आरजेडी पर हमला बोला। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि यह बात सरासर झूठ है कि बिना नीतीश की सहमति के ही आरसीपी सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शिवसेना ने दावा किया कि उन बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या के समान है, जिन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना की चपेट में आ गई है। इसकी सूचना उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर दी। प्रियंका गांधी से पहले 3 जून को भी कोरोना की चपेट में आ गई थी। बिहार में नई सरकार को जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी समर्थन दिया है। मांझी ने बताया कि 2015 का जो फॉर्मूला था उसी के तहत सरकार के गठन की बात सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी संख्या को देखते हुए हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को अलग कर लिया है। ट्रेंट बोल्ट का कहना है कि उनके लिए उनका परिवार ज्यादा अहम है और वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। ट्रेंट बोल्ट हालांकि दुनिया भर में होने वाली T20 लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। कोई कैश नहीं पकड़ा गया, कोई ईडी रेड नहीं हुई, कोई असम का सीएम नहीं था, कोई रिजॉर्ट की यात्रा नहीं थी, सब कुछ बिहार के स्टाइल में कम खर्च और सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़े दल और अन्य का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में भाजपा ने दल बदल पर काम किया, बिहार में भाजपा को नकारा और बेदखल कर दिया गया। राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के सरकारी अस्पताल एम्स में भर्ती कराया गया है। खबर है कि उनको हार्ट अटैक आया है। उनके भाई और पीआर ने इसकी पुष्टि की है। 2022 से 23 में भारत की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP 7% औसतन रहने का अनुमान है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने वाला है। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री अब एक यूनाइटेड किंगडम के ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा किया है, जिसमें वो गूगल के CEO सुंदर पिचोई और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के साथ दिखे। राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपए की वसूली किए जाने वाले वीडियो पर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा अभिमान है, ये हर दिल में बसता है, राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राशन कार्ड धारक यह आरोप लगा रहे हैं कि यदि हम तिरंगा नहीं ले रहे हैं तो हमें राशन नहीं दिया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की। राजद प्रमुख की बेटी और सांसद मीसा भारती ने बताया कि लालू प्रसाद ने कुमार के फैसले का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। लालू प्रसाद एक बीमारी से उबर रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के साथ रहते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कॉमनवेल्थ में किए गए प्रदर्शन पर किए गए एक ट्वीट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस ट्वीट में गांगुली ने महिला क्रिकेट टीम की क्लास लगाई थी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लगातार ट्रॉल होता देख आमिर खान ने कहा कि अगर किसी का दिल दुखाया तो उसके लिए पछतावा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा यूज कर कुछ लोग आमिर की फिल्म का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। अब देश में सितंबर से 160 की स्पीड से 23 ट्रेनें दौड़ेंगी। अधिकारी ट्रेनों की स्पीड को 130 से 160 तक पहुंचाने के दौरान लगातार निगरानी रखेंगे और जिन सेक्शनों में लगातार एक ही स्पीड में ट्रेनों को चलाने में समस्या आएगी उस पर सुझाव देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान सरकार के कामकाज और नौकरशाहों के काम करने की व्यवस्था पर भी बात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं हमेशा नौकरशाहों या अफसरों से कहता हूं कि जो आप कहते हैं उस पर सरकार काम नहीं करती, आपको मंत्रियों से हमेशा यस सर कहना चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने के बाद एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले नौकरी गई और अब 99 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस आ गया है। मामला कोलकाता के सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी का है। चीन में नए वायरस हेनी पाइविरस से संक्रमित मिले 35 लोगों में जो लक्षण पाए गए वे काफी हद तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के जैसे ही है, लेकिन कोरोना वायरस के घातक होने से संक्रमितों की जान गई है और इस नए वायरस का फिलहाल ना तो कोई इलाज है और न ही इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध है। भारतीय रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ट्रेनों में टिकट के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की सुविधा बहाल करने पर रेलवे तुरंत विचार करे। समिति ने कहा कि कम से कम स्लीपर और एसी स्लीपर श्रेणियों में तो रियायत बहाल करने पर सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 21 अगस्त से चुनाव शुरू होंगे। राहुल गांधी इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। पार्टी नेताओं ने कई बार उनसे अनुरोध किया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोप्रोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत दर्ज केस में जेल में बंद मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। म्यूजिक लेवल प्लेटफॉर्म ट्रेजर रिकॉर्ड्स ने अंकित तिवारी के साथ एक नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है। उनके नए गाने जानिया में दो नए चेहरे नवनीत मालिक और अनिशा पाहुजा हैं और उनके बीच रोमांटिक केमिस्ट्री को दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में 421.9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया गया और इनमें से 261 अरब डॉलर का निर्यात सिर्फ 4 राज्यों ने किया। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। 10 राज्यों का निर्यात में शून्य योगदान है। भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 1,28,261 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 19,569 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, दीपक कुमार, सुजय कुमार, एलके सिंह, जितेंद्र ठाकुर, परवेज आलम, राजकुमार प्रसाद, नुन्नू कुमार। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महागठबंधन की सरकार बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।